नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राधोगढ़ में 3 जुलाई को हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने सास की हत्या में आरोपी बहू और दामाद को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार रोड़ा ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मृतका ताहिरा को उसकी बहू सरजाना और दामाद भूरे खान के बीच अवैध संबंधों का पता चलने और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। को एक घटनाक्रम हुआ था जिसके अंदर राहुल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 45 वर्ष की महिला ताहिरा खान उसकी मृत्यु हो गई थी। पीएम रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया कि उसका जो है वो गला घोट के मर्डर किया गया है। पुलिस द्वारा उसमें 302 का मामला पंजीबद्ध किया गया। 302 पंजीबद्ध करने के बाद में लगातार उसके अंदर उसके आस पड़ोस से पूछताछ और जो घटनास्थल पर थे उनसे पूछताछ करने के बाद में कुछ संदेहों को उठाया गया, जिसमें इसकी जो बहू है सरजाना खान और इसका दामाद भूरे खान इनको भी उठा के इनको भी थाने ला के पूछताछ की गई, जिसमें ये पता चला कि इन दोनों के जो है वो अनैतिक संबंध थे और उस संबंध को जो है इनकी सास लगातार रोक टोक कर दी थी और पहले एक दो बार इनको डांट भी चुकी है और इसको तंग आके इन लोगों ने प्लान बनाया 2-3 दिन पहले और उसके प्लान के तहत सरजाना ने उसकी सास का मुंह दबा के और जो भूरे खां है जो उसका दामाद है उसके द्वारा उसका गला घोट के उसकी हत्या कर दी है। लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और भी पूरे एविडेंसेस हम लोगों ने कलेक्ट कर लिए हैं। आज इन दोनों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करवा रहे हैं। राधोगढ़ से वीडियो रिपोर्ट।